हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अभी एसबीआई क्लर्क का जिन शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है, उसके बाद अब जिनका 30 जून को एग्जाम होनी बाकी है, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपका 30 जून की शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको किन किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और अब कौन से बचे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा एनालिसिस यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट हर एक टॉपिक के साथ में यहाँ पर करूँगा। ओके, तो सबसे पहले एग्जाम का सीन की अगर बात करें तो तीन टॉपिक केवल पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि ये 30 नंबर के हैं, 30 मार्क्स के हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग ये दोनों 35-35 नंबर के हैं और टाइम सबके लिए आपको 20-20 मिनट का लग रहा है। अभी तक की अगर ओवरऑल की बात करें तो जो एवरेज मार्क्स की दोस्तों मैं बात करूँ कि जितने भी लोगों से मैंने जो सैंपल लिया है वो मार्क्स जो हैं वो नियर अबाउट 60-70 के आसपास में है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर इन्होंने 58 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और काफ़ी सही अटेम्प्ट हैं, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वाकई बहुत, अगर ऐसा कहा जाए कि उनकी प्रिपरेशन बहुत ही अलग थी, तब भी उन्होंने 79-82 के अराउंड में मार्क्स लाए हैं। तो ये कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऐसे अटेम्प्ट्स हैं और उम्मीद है कि इसके नियर अबाउट में उनको नंबर भी मिलेंगे, लेकिन ये जो है इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो है सबके लिए मैं नहीं कहूँगा कि अगर ऑल ओवर सारे लोग ऐसा नहीं बना कर आए, कुछ लोग 62 बना कर आए हैं, कुछ 67 बना कर आए हैं, कुछ लोग 53 हैं, किसी के 58 हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 55 की रेंज में बनाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 60-70 वालों की संख्या जो है ये ज़्यादा है। ठीक है, तो कट ऑफ का भी अगर मैं आपको बताऊं कि देखो, कट ऑफ तो ऐसे फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये रीज़न वाइज होगा आपका, और कट ऑफ ना होकर उसमें टॉप रैंकिंग के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो अभी कट ऑफ की मैं कोई भी बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोगों का अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है। तो अभी आप लोग न्यूट्रल होकर चलें, अभी आप ये देखें कि आपकी शिफ्ट का इवेल्यूशन होना बाकी है। कोई भी कट ऑफ इस तरह से तैयार नहीं हो सकते। अगर इधर उधर आपको कहीं कुछ मिल रहा हो तो वो बिल्कुल बेकार है, आपके काम का नहीं है, उसको अवॉइड करो। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूँ कि किन टॉपिक के ऊपर आप बहुत अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। हमेशा से कहा जाए तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होता है, ये दो हमेशा की कंट्रोल माने जाते हैं सिलेक्शन लेने में। तो यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर दोस्तों स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग और आपका ये न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला। तो अब एक एक करके हर एक टॉपिक को यहाँ पर एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि अगर जो अपकमिंग शिफ्ट है इसमें कौन से टॉपिक हमसे पूछे जा सकते हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए। अभी तक अगर दोस्तों पूछे जाने वाले टॉपिक की मैं बात करूँ तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आपसे इक्वेशन बेस्ड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक इस पैटर्न वाला, एक आपका क्वाड्रेटिक जो हो गया जिसमें Q1 दिया होता है, Q2, दो क्वांटिटी दी होती हैं और फिर आपसे पूछा आता है कि Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 या Q1 इज़ लेस देन Q2 या फिर लिखा होता है Q1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q2। तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक के दोनों टाइप ये पूछे जा चुके हैं। एक है आपका डेटा सफिशिएंसी, ये भी कई शिफ्ट में पूछा गया है। नंबर सीरीज जो है ये दो तरीके से, एक तो होता है कि नेक्स्ट नंबर फाइंड करना, नेक्स्ट नंबर, एक आपका होता है कि रॉन्ग नंबर फाइंड करना। ये दोनों पैटर्न पूछे जा चुके हैं अब तक। ठीक है, आगे आपका क्या बचता है यहाँ पर, जो आपका सिंप्लीफिकेशन है और अप्रोक्सीमेशन है, ये दो आपके पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं DI की बात करूँ तो देखो, DI में हर एक DI का एक्सपेरिमेंट हर एक शिफ्ट में हुआ था। आप ये देखो, आपसे टेबल DI मैक्सिमम शिफ्ट में पूछी गई, बार चार्ट भी पूछा गया और लाइन ग्राफ भी पूछा गया, बचा था आपका केस लेट, तो वो भी बैंड डायग्राम वाला, ठीक है, जिसको मैंने बनाया था इस चैनल पर, वो भी आपसे पूछा जा चुका है। ओके, बाकी नेक्स्ट जो होता है जाती है आपकी मिसेलनियस टॉप। ठीक है, मिसेलनियस वाला। अब यहाँ पर आप ये देख लें कि आपके लिए प्रोबेबिलिटी बच जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, हो सकता है कि आपसे ये दो चीज़ें जो है पूछ ली जाए। ओके, लेकिन जो ये टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए हैं ये आपको पढ़कर जाने हैं, इसमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है क्योंकि रिवीजन का टाइम है। अभी पूरा अप्रॉक्स जो है हमारे पास 5-6 डेज का टाइम है, तो इसमें आप काफ़ी कुछ दोस्तों पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम ये समझ सकते हैं क्वांट में क्या एक्सपेक्टेंस हो सकती है। देखो, DI में अगर मैं कहूँ कि कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते कि आप क्या DI छोड़कर जाओ, टेबल भी आ सकता है, बार, लाइन और केसलेट और आपका पाई चार्ट। ठीक है, ये सारे ही पूछे जा चुके हैं, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन बड़ा इजी आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न मैं डिस्कस करूंगा, और नंबर सीरीज हो गया और आपका डेटा सफिशिएंसी, ये दो, और आपका क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक भी इजी आ रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ों के ऊपर अगर मैं अच्छे से एनालिसिस आपको बताऊं सिंप्लीफिकेशन का, तो देखो सिंप्लीफिकेशन में वो प्रॉब्लम जो अंडर रूट के ऊपर आधारित है, अंडर रूट बेस। ठीक है, तो ये आपसे पूछी जा रही हैं। ओके, और ये इजी है सिंप्लीफिकेशन की, अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो आप ये मान के चलो आपके 9-10 मार्क्स यहाँ से पक्के हो गए।
अगर यही है रेशियो की सिंप्लीफिकेशन आपके सिलेक्शन में काफ़ी मदद कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में दोस्तों अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो जैसे आपका क्वेश्चन आ गया 3x², ठीक है, प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, कुछ इस फॉर्मेट में, तो मतलब कैसा भी इक्वेशन बन सकती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से वहां पर बनाओगे। ये सिंपल क्वेश्चन था, ओके। तो क्वाड्रेटिक में कुछ हमें ऐसा करके जाना है। अब अपकमिंग डेज में कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ना, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लो, ओके। तो रिवाइज कर लो, रिवाइज करने से काफ़ी कुछ हो जाएगा और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अब थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़े रीजनिंग की ओर, तो देखो रीजनिंग में भी बहुत सरप्राइज मोमेंट देखने को मिले। अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो क्वांट में सबसे ज़्यादा लोग स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद जो है रीजनिंग में कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है इंग्लिश में आ जाता है। तो अगर ऑर्डर वाइज बात की जाए तो क्वांट, उसके बाद रीजनिंग और फिर इंग्लिश, ये आपका सिनेरियो आ रहा है। अब देखो रीजनिंग में श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करी जाए तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपसे इनइक्वालिटी पूछा जा चुका है, ओके। कोडिंग डिकोडिंग जो है चाइनीज वाली, वो आपसे पूछी जा चुकी है। कोडिंग डिकोडिंग जो आपकी होती है, जो वैसी होती है, जैसे लिखा है RAM, तो इसको लिखा जाता है कुछ अलग लेटर्स में, ठीक है, PST कुछ इस तरीके से। अगर हम ये देखें कि नेक्स्ट इस शब्द को ये लिखा जाता है तो मंडे को क्या लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोडिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करो। अल्फा न्यूमेरिक हो गया, इसके ऊपर ध्यान दे लो। एक होता है नंबर कोडिंग, जैसे लिखा है 453, 352, 228, 88, ठीक है, 953, तो इसमें डिजिट का रिप्लेसमेंट करके क्वेश्चन होता है। एक इसमें ही आपका अल्फाबेट में बन जाता है TOP SOT, ठीक है, EPF SHE, तो इनके ऊपर भी ऑपरेशन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर में पूछे गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये रहनी चाहिए कि आपको अल्फा न्यूमेरिक कर लो, ये सीरीज कर ले जाओ, ये कर ले जाओ, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कर लो, प्लेन कर लो, इनइक्वालिटी कर लो, तो ये हो सकता है कि पूछा जाए। इसके अलावा जो बड़े टॉपिक हैं वो जो मैक्सिमम पोर्शन पूछा है लगभग 15 नंबर तक, ये आपके हो जाते हैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के। अब देखो पजल की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी पजल आपसे एग्जाम में पूछी गई, ये आपको अच्छे से पता होगा कि बॉक्स पजल आपसे पूछी गई। डायरेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया। पैरेलल लाइन में 6-6 लोग बैठे हुए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। 10 लोग बैठा ले हैं एक ही सिंगल लाइन में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। एक लाइन में 8 लोगों को बैठाला गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपका लीनियर वाला हो जाता है। इसके अलावा आपका दोस्तों डेज वाइज पजल पूछा गया और ईयर बेस्ड पजल जो है ये आपसे पूछा गया एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जो अभी रिसेंट शिफ्ट में हुआ है। तो हमें क्यों ना कि इस तरीके की जो पजल हमने डिस्कशन में लाई हैं उनको आप इनको कर जाओ एक बार, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। पजल का कंसेप्ट होने के बाद में आप डेटा सफिशिएंसी को मत छोड़कर जाना, या डेटा सफिशिएंसी आपका पूछा गया है। बाकी रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये पूछा जा सकता है। तो ब्लड रिलेशन की पजल भी आप कर ले जाओ, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ब्लड रिलेशन में होते हैं जिसमें लिखा होता है P@Q, इसका मतलब होता है पी इज मदर ऑफ क्यू, ठीक है। हमने लिख दिया पी हैज क्यू, तो इसमें इसका मतलब क्या है, पी इज सिस्टर ऑफ दिस वन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिए जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना यार इन सारी चीज़ों का, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो तो ये रिपीट होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं, ओके। और उम्मीद ये भी मैं कर रहा हूँ कि अगली शिफ्ट में हो सकता है आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, तो इनके लिए तैयार रहो। इनपुट आउटपुट का एक शिफ्ट में पूछा गया जिसका मैंने दोस्तों जिक्र भी किया था, उसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया। तो ये पैटर्न भी अनएक्सपेक्टेड की ओर है, लेकिन हमें क्या है, देखो आजकल हुआ यह है कि अगर मैं 100% रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो अगर 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो चारों शिफ्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक करके पूछ लिए गए। अब ये नहीं पता कि कोई एक एक्स पर्सन है इसका किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, अगर यहां पर हुआ तो इसको ये टॉपिक करके एग्जाम में आने पड़े, अगर यही पर्सन का इस शिफ्ट में हो गया तो इसको अलग टॉपिक मिल गए। तो मतलब मिक्स फॉर्मेट पूछा गया हर एक तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इंग्लिश में आपको अवेयर कर दूं तो देखो इंग्लिश में नंबर तो पहली बार तो आते नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं कि इंग्लिश कैसे क्वालिफाई होगी। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको एक चीज बताऊंगा कि जो आपका ये पैरा जंबल वाला पोर्शन है ये लोग कर आ रहे हैं और इसमें आसानी से लोग नंबर बना रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा दिया होता है 1 2 3 4 5 5 सेंटेंस दिए हैं,
ओके इनको एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है, फिर ऑप्शन नंबर वन लिखा है 1 2 5 4 3, दूसरा ऑप्शन नंबर बी ये लिखा आपका 2 1 3 4 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसमें चूज करना होगा, तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आपसे पूछा जाएगा। बाकी आप ये देख लो, फिलर्स आपसे पूछे एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, फिलर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लो। एरर्स जो है वो 10 नंबर की आ रही हैं, तो कुल मिला के रीजनिंग ये इंग्लिश वाले सेक्शन में आप कर सकते हो। बाकी आपका आरसी पूछा गया, फ्रेजल रिप्लेसमेंट है ये पूछा जा रहा है, और भी कुछ टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, तो इनको यार छोड़कर मत आओ, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लो, क्योंकि अपकमिंग शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपका इंग्लिश का हो जाता है। अब मेरा आपके लिए फाइनल सजेशन यही है कि आपके पास जो भी विद इन डेज का टाइम बचा है इसमें आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने रिवीजन अच्छी कर ली, अब रिवीजन करने की चीज़ों की वो मैं बता रहा हूँ, जैसे मशीन इनपुट है इसके कंसेप्ट को पढ़ लो, थोड़ा सा अल्फा न्यूमेरिक वाला है इसमें पढ़ लो, और जो आपने पजल घर पर बना रखी है लेफ्ट राइट है बॉक्स में कैसे करना है वो चीज़ें एक बार देख लो। क्वांट में अगर बात की जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये सारी वैल्यूज़ एक बार मेमोराइज कर लो, इनको रिपीट कर लो, ठीक है। फास्ट मैथ जो मेंटल मैथ्स होती है उस पर थोड़ा फोकस कर लो। डीआई वगैरह जो है उसमें निकालना सीख लो। डीआई में एक क्वेश्चन आपका सेंट्रल एंगल का पूछा आ रहा है, तो अगर आप पाई चार्ट आए तो सेंट्रल एंगल निकालना आपसे पूछा जाएगा। लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस और जो पाई चार्ट है और टेबल है, तीनों की तीन वीडियो मैं अभी एक्सपेक्टेड डालूंगा उन्हीं सेम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, आई होप इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी बना लो कि एग्जाम में बिना रुके आप लगभग 70 के राउंड में अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो इसके लिए अच्छी तैयारी आपको करके जाना होगा, और यही मेरा मेन फंक्शन यही रहेगा कि आप यार अपनी अच्छी तैयारी करो, और आपके लिए पूरे वीक हम वीडियोस देंगे, और साथ में आरआरबी की पैरेलल क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मेंस की जो स्ट्रेटजी होगी उसका भी हम जिक्र प्रॉपर करेंगे कैसे हमने इन चीज़ों को करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा आपका सिस्टम हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारी कुछ प्लेलिस्ट दी, आप इनको देख लो, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताओ। आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देख कर जाएं, जो अभी हमने पिछली शिफ्ट में मॉनिटर किए थे उनसे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे दोस्तों।